अगर ऐसा ब्लंडर आपने कर दिया तो आप बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाओगे अपना करियर स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ यंगस्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो 5-6 इक्विपमेंट सप्लायर के पास जाते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, इक्विपमेंट्स की कोटेशन तो वो 6-7 जगह से ले लेते हैं, बट उनको इंटीरियर पे कितना एक्सपेंस होने वाला है इसका बिल्कुल भी नहीं पता होता, ना ही उन्हें पता होता है कि इंटीरियर करवाए कैसे जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं जिम के इंटीरियर कैसे होते हैं, क्योंकि पहले वीडियोस आपको बहुत सारी दिखाई हैं और आप देखते हैं कि प्रो अल्टीमेट जिम्स के सबसे शानदार इंटीरियर हैं। पूरे इंडिया में हमारे जैसे इंटीरियर जो हम करते हैं अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस में कोई नहीं कर रहा, ये बात आप लोगों को भी पता है। तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि अच्छे इंटीरियर आप कैसे कराएंगे, प्रीमियमनेस कैसे आपके जिम में आएगी और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। सो गाइस, दिस इज अभिषेक अग्नेजा, सो लेट्स बिगिन। तो मैं अपनी बात स्टार्ट शुरू करता हूँ सीलिंग से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीलिंग का लेआउट बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़ी फैसिनेटिंग लग रही होंगी लाइट्स, और लाइट्स का सबसे बड़ा रोल है आजकल जो भी आप जिम बनाएं। तो जो भी आजकल लाइट्स चल रही हैं मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सो जो आप ये लाइनिंग देख रहे हैं ब्लू और येलो कलर की, दीज आर ऑल कॉल्ड प्रोफाइल लाइटिंग, और इसका सबसे ज़्यादा ट्रेंड है। और इसमें आप काफ़ी तरह की ड्राइंग्स बना सकते हैं और आप गूगल पे भी डिज़ाइन देख सकते हैं प्रोफाइल लाइटिंग की। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिज़ाइन मैटर करता है कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमने काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग करी हुई है येलो और ब्लू लाइटिंग की। और ये प्रोफाइल लाइटिंग जो है ये काफ़ी कलर्स में मिल जाएगी, जैसे कि रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो। अगर आप येलो लाइट लगाएंगे प्रोफाइल में तो ये बेसिक लाइटिंग भी आपके जिम की कवरअप करेगी, बट अगर आप अदर कलरफुल लाइट्स लगाते हैं तो वो आपके जिम की थीम से मैच करनी चाहिए। और उसके लिए अब हमारी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे हमने प्रो अल्टीमेट जिम्स के सेटअप्स दिखाए हैं आपको, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग से प्ले करा हुआ है, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सपोजर मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअल में प्रोफाइल लाइट होती क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे लाइट बंद करके दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लाइट बंद हो गई है, तो बेसिकली ये प्रोफाइल लाइट एक रेडीमेड एल्युमिनियम की प्रोफाइल होती है जिसके अंदर LED स्ट्रिप लगती है, और LED स्ट्रिप आप कोई भी कलर की लगा सकते हैं और उस पर एक अडेप्टर लगेगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये ग्लो करने लग जाएगी। तो इसके साथ आप ड्राइंग्स भी अलग अलग तरह की बना सकते हैं। और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो नियर अबाउट आप इसकी टेंटेटिव कॉस्टिंग मान के चलिए 600 रुपीज़ मीटर के आसपास ये आपको कॉस्ट करेगी। और आप अपने जिम में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी प्रोफाइल लेंथ में आपने लगानी है और उसका एक्सपेंस कैलकुलेट करके चल सकते हैं। एंड सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज़ जो नॉर्मल पैनल लाइट्स होती हैं, जो एक नॉर्मल लाइटिंग देती हैं। ये पैनल लाइट्स आप देख सकते हैं, 12 वॉट्स की पैनल लाइट्स लगी हुई हैं, ये बेसिक लाइटिंग देती हैं। तो आपको ये तो लगानी ही पड़ेंगी बेसिक लाइटिंग कवरअप करने के लिए। ये मार्केट में 350-400 रुपीज़ की मिल जाती है 12 वॉट में। और जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट है दैट इज़ COB। COB लाइट जो है ये स्पॉट लाइट्स होती हैं जो चमक देती हैं, ग्लो दे देती हैं एरिया को। तो इससे आपकी फ्लोरिंग और इक्विपमेंट में एक अलग सा ग्लो आ जाता है। तो यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे सिलिंड्रिकल शेप में जो लाइट है दैट इज़ सिलिंड्रिकल लाइट। तो ये तीन लाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोफाइल लाइटिंग, पैनल लाइटिंग एंड COB लाइटिंग। तो अगर आप अपने जिम के इंटीरियर्स अच्छे कराना चाहते हैं तो आपको ये तीनों लाइटिंग्स का यूज़ करना पड़ेगा, और आप प्रोफाइल में जितनी आपकी क्रिएटिविटी है उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग वील टॉक अबाउट इज़ फ्लोरिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये सारी रबर टाइलिंग हुई हुई है, और रबर टाइलिंग जो है मार्केट में अवेलेबल होती है 20 इंचेस बाई 20 इंचेस का इसका नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स साइज जो हमेशा आपको अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में, वो 20 इंच बाई 20 इंचेस का साइज़ होता है, और इसकी थिकनेस 10 mm से स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी थिकनेस 15 mm, 20 mm, 25 mm तक जाती है, और इसमें आपको कलर्स ब्लू, ब्लैक, टेराकोटा और ग्रीन, ये सब कलर्स इसमें ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे। ग्रे कलर भी इसमें आता है, और इसमें आजकल एक स्पेशल डॉटेड डिज़ाइन में भी आने लगी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे ब्लैक रबर टाइल है बट उसमें ब्लू कलर के डॉटेड डिज़ाइन आपको दिख रहे होंगे जितनी भी यहाँ फ्लोरिंग दिख रही है। तो ये जो फ्लोरिंग है ये आपने यूज़ कहाँ करनी है, ये आपने अपने फ्री वेट एरिया में यूज़ करनी है, जितना भी आपका फ्री वेट एरिया है जहाँ पे आपके प्लेट लोडेड इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ डंबल रैक वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर ये आपने यूज़ करनी है। तो आप उस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जिम 1500 स्क्वायर फीट का है तो अप्रॉक्स 500 स्क्वायर फीट में आप ये वाली फ्लोरिंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ 10 mm जो एक बेसिक रबर टाइल है मार्केट में आपको 60 रुपीज़ स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है, और प्रीमियम टाइल 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक एक अच्छी टाइल मिल जाएगी जो हम अपने जिम में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं फ्लोरिंग में बताने वाला हूँ दैट इज़ कारपेट।
कारपेट कितनी तरह के आते हैं और कारपेट की कैसा ग्लो आता है, लुक आती है, वो भी दिखाते हैं। कारपेट का भी बड़ा प्यारा सा लुक आता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सारी फ्लोरिंग यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रे कलर का कारपेट लगा हुआ है, और कारपेट भी, कारपेट के ऊपर आप क्या क्या रख सकते हैं, कार्डियो इक्विपमेंट्स अपने रख सकते हैं, पिन लोडेड स्टेशंस आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वेट तो गिरेगा नहीं। लुक बड़ी प्यारी आती है, और कारपेट मार्केट में 10 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेके 70-80 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक मिलेगा आपको। वो देखना पड़ेगा आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स 10 रुपीज़ स्क्वायर फीट वाला जो है वो एक दो साल तो अच्छा चलेगा, बट एक दो साल में उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी कि वो ड्यूरेबल ज़्यादा नहीं होगा, वो टीयर हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा आपके जिम में, है ना। तो कारपेट आप लगा सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड कारपेट जो है वो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगता है। उसके लिए आपको वैक्यूम क्लीनिंग रेगुलर रखनी पड़ेगी, और हो सकता है साल में एक बार ड्राई क्लीनिंग भी करानी पड़े, क्योंकि उसमें स्पॉट्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। कोई भी क्लाइंट जिसके शूज़ अगर क्लीन नहीं है वो जिम में एंटर करेंगे तो उनके स्पॉट्स पड़ जाएंगे। तो मैंने फ्लोरिंग के आपको दो ऑप्शंस बताए हैं, एंड नेक्स्ट ऑप्शन फॉर फ्लोरिंग इज दैट इज़ पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वुडन लुक में आती है, और वुडन लुक में आएगी 1.5 mm थिकनेस से अबव ही मैं रेकमेंड करूंगा जो आप परचेज करें। और मार्केट में आपको 35 रुपीज़ स्क्वायर फीट, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड आप कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, ये आपको मिल जाएगी। 40 रुपीज़ स्क्वायर फीट में भी मिलेगी, हो सकता है इससे सस्ती भी मिल जाए, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन आप किस ब्रांड की ले रहे हैं। और ये काफ़ी ड्यूरेबल रहती है, और ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिसेप्शन एरिया में, कार्डियो एरिया में, जो आप डांस स्टूडियो बना रहे हैं वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हैं, और पिन लोडेड स्टेशंस के नीचे भी यूज़ हो सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर सारा ऑल कार्डियो इक्विपमेंट है, और काफ़ी अच्छी डिसेंट लुक ये दे रहा है। अगेन मैंने आपको तीन ऑप्शन दे दिए, कारपेट, रबर टाइल एंड पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की वॉल्स, वॉल्स पे आप क्या क्या लगा सकते हैं और वॉल्स कैसे डेकोरेट कर सकते हैं जिम की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्स, जो आपकी जिम की दीवारें हैं उन पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। द फर्स्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है दैट इज़ मिरर। आपको शीशे लगाने पड़ेंगे, और उसकी थिकनेस कम से कम 5 mm होनी चाहिए, और वो आप कोई भी ब्रांड का खरीद सकते हैं, सेंट गोबेन इज़ द मोस्ट कॉमन ब्रांड जो आपको पता होगा। और ये आप देख सकते हैं ये 6 feet हाइट का वर्टिकल मिरर लगा हुआ है, और जो इसकी विड्थ है दैट इज़ 4 feet। तो जितना हाइट में आप शीशा लगाएंगे उतनी बेटर लुक आपके जिम की आएगी, उतना बेटर व्यू आएगा, विजन आएगा, क्लाइंट्स को बेटर फील आएगा यहाँ पे वर्कआउट करते हुए। और अगर आपको कॉस्ट सेविंग करनी है तो इसको आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, विच मीन्स इसकी हाइट 4 feet रह जाएगी और लेंथ 6 feet हो जाएगी, बट मैं वो रेकमेंड नहीं करता। अगर आप चाहते हैं आपके जिम में एक प्रीमियम फील आए और क्लाइंट्स को एक अच्छी वाइब्स आए जिम में आते हुए, और आपके प्रीमियम इंटीरियर्स लगे, फिर आपको मिरर्स हाइट में लगाने चाहिए, और जितनी हाइट में आप मिरर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके जिम में ग्लो आएगा और एक विड्थ ब्रॉडनेस जिम में आएगी। और अब हम बात करते हैं मिरर की कॉस्टिंग की। मिरर की कॉस्टिंग आप तकरीबन मान के चलें, अगर आप 5 mm का लगा रहे हैं तो ये आपको लेबर एंड ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूड विद इंस्टॉलेशन 100 रुपीज़ स्क्वायर फीट के आसपास कहीं कॉस्ट करता है। मे भी हो सकता है आपके किसी रीजन में 90 रुपीज़ स्क्वायर फीट भी हो, और कई रीजन्स में 100 रुपीज़ स्क्वायर फीट भी कॉस्ट करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस। यहाँ आप देख सकते हैं एक एरो थीम आपको दिखेगी रेड कलर में, और ये रन कर रही है पूरी वॉल पर। बेसिकली ये मटेरियल क्या है, ये MDF है, ये वुडन की ही एक फॉर्म होती है, MDF वुडन बोर्ड होता है एक तरह का, और वो हमने कट करके उसके ऊपर रेड पेंट करा हुआ है। तो आप ऐसे MDF के डिज़ाइन भी बना सकते हैं वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। एंड अदर ऑप्शन फॉर वॉल्स डेकोरेशन इज ब्रांडिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ब्रांडिंग किस टाइप की कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन माई बैक, ये आप पूरी वॉल देख रहे हैं प्रो अल्टीमेट की ब्रांडिंग में है ये। और ये मटेरियल क्या है, दिस इज बेसिकली विनाइल डिजिटल प्रिंटिंग, और ये सनबोर्ड के ऊपर प्रिंट होके लगी हुई है, तो इसकी सबसे प्रीमियम लुक आती है। और आपने अपने जिम की थीम के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन डिज़ाइनर से डेवलप करा सकते हैं। हो सकता है आप अपनी पिक, अगर आपकी बॉडी अच्छी है आप अपनी पिक भी लगवा सकते हैं, या अपने जिम का नाम भी लिखवा सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वैसे तो लाइट कलर की ब्रांडिंग है, बट इसके साइड्स पे रेड कलर के डॉट्स दिख जाएंगे, या इधर छोटे से क्लाउड्स वगैरह दिख जाएंगे रेड कलर के। तो जो आपको ब्रांडिंग करानी है वो आपकी ओवरऑल थीम से ज़रूर मैच करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसकी कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग इसकी करेगी नियर अबाउट 75 रुपीज़ स्क्वायर फीट से 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट। तो ये आप कॉस्टिंग का ध्यान रखना जब भी आपको अपना इंटीरियर का बजट कैलकुलेट करना है। और मैं रेकमेंड करूँगा जब भी आप ये ब्रांडिंग कराएं तो आप जो वॉल है उसको पूरा कवर करें, तब उसकी लुक और ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप थोड़ा सा पार्ट वॉल में कवर करेंगे और बाकी वॉल एक्सपोज्ड पेंट में रहने देंगे तो उतनी अच्छी लुक नहीं आएगी। तो जो भी हिस्सा आप ब्रांडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पूरी वॉल कवर कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा एलिगेंट लुक आएगी। एंड नेक्स्ट थिंग आई टॉक अबाउट इज दैट इज़ जो आपके जिम की विंडोज़ हैं, क्योंकि कई जिम्स में क्या होता है फ्रंट में टफ एंड ग्लास लगा होता है, विंडोज़ होती हैं और वहाँ से सनलाइट आती है, तो आपको उसको भी कवर करना पड़ता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब मैं आपको दिखाऊंगा ब्लाइंड्स की, जो आपको
विंडोज पे, टफन ग्लास पे, फ्रंट में या बैक साइड पे भी हो सकता है। वहाँ पे आपको ब्लाइंड्स लगानी पड़ेंगी, और ब्लाइंड्स आप कैसी लगा सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड जेब्रा ब्लाइंड्स। इसमें क्या होता है, इसमें पार्शियल लाइट भी आती है, और अगर आप चाहते हैं लाइट बिल्कुल ना आए तो आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं, और ये थोड़ा और ज़्यादा एलिगेंट लगती हैं। और आप चाहते हैं थोड़ी बहुत लाइट आए तो थोड़ा सा इसे ओपन भी कर सकते हैं, तो हल्की हल्की पार्शियल सी लाइट भी आती रहती है। तो ये थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी की ब्लाइंड्स हैं। इनकी कॉस्टिंग नियर अबाउट 120 रुपीज स्क्वायर फीट कॉस्ट करती है। अब मैं आपको एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन भी दिखाना चाहता हूँ ब्लाइंड्स का, जो कि 75 रुपीज स्क्वायर फीट में भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको बिल्कुल बेसिक और स्टार्टिंग रेंज की ब्लाइंड्स लगानी है तो वो भी आपको दिखाते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी, दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर ब्लाइंड्स। ये बिल्कुल ब्लैकआउट ब्लाइंड्स हैं, इसमें कोई पार्शियल व्यू नहीं आता। अगर ये आप बंद कर देंगे तो बिल्कुल सनलाइट नहीं आती, बिल्कुल सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। और ये रोलर ब्लाइंड्स होती हैं, इसको आप ओपन करेंगे तो ये बाहर से सारी लाइट और व्यू आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आपको नेसेसरी हैं, लगवानी पड़ेंगी जहाँ भी आपके ग्लास टफ एंड विंडोज आ रहे हैं। इस पर भी आपको बजट अपना कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। तो आपको लाइटिंग, फ्लोरिंग, सीलिंग, ब्रांडिंग, इन सब के बारे में बताया, और ब्लाइंड्स के बारे में बताया, आपको इसकी कॉस्टिंग भी बता दी। बट इसके अलावा और भी एक्सपेंस आपके होने वाले हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पर होंगे, जैसे कि सीसीटीवी आपको लगाना पड़ेगा, म्यूज़िक सिस्टम लगाना पड़ेगा, एसीज़ आपको लगाने पड़ेंगे। और एसीज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में कि सेंट्रली एयर कंडीशन ही जिम में कामयाब रहता है, और उसका एक्सपेंस भी मैंने बताया था। तो ये अदर एक्सपेंसेज हैं। हो सकता है आपको LED टीवी भी अपने जिम में लगाना पड़े, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सारे भी एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे। और फर्नीचर का भी एक्सपेंस अलग से आएगा, जो आप ऑफिस बनाएंगे या रिसेप्शन टेबल बनाएंगे और वहाँ पे आपको चेयर्स भी रखनी पड़ेंगी, टेबल का एक्सपेंस भी आएगा, तो फर्नीचर के एक्सपेंस भी आपको कैलकुलेट करके चलने हैं। तो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और फिर भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, लास्ट में ओवरऑल खर्चा एक आइडिया दे दो ना, खर्चा कितना आ जाता है, कैसे कैसे करना है। तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर आप अच्छे इंटीरियर कराना चाहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाए गए हैं, तो आप मान के चलिए कि 500 रुपीज स्क्वायर फीट आपका एक्सपेंस एवरेज आ जाएगा। तो आप मान के चलिए, अगर आपका 2000 स्क्वायर फीट का जिम है तो अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज आपके लग जाएंगे अदर देन इक्विपमेंट्स। एक इक्विपमेंट्स का आपका बजट होगा और एक इंटीरियर एंड अदर थिंग्स का बजट होगा, तो अप्रॉक्स 10 लाख का बजट लेके चलें। और अगर आपका 4000 स्क्वायर फीट का जिम है तो अप्रॉक्स 20 लाख रुपीज आपके अदर देन इक्विपमेंट्स, इसमें इंटीरियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ उसमें आपका कवरअप हो जाएगा। एंड गाइज, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, क्योंकि वीडियो में एक लिमिटेशंस है, मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता वीडियोस के थ्रू, तो हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है, दैट इज़ जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स। और ये कोर्स करके काफ़ी सारे यंगस्टर्स या ऑलरेडी जो जिम ओनर्स हैं, वो अपने काम को स्केल अप कर चुके हैं, अपने जिम की सेल्स बढ़ा चुके हैं, और उनको बहुत नॉलेज मिल रही है। तो ये कोर्स दो पार्ट में होता है बेसिकली। वन पार्ट इज़ जिम प्लानिंग, जिसमें हम आपको सब कुछ बताते हैं कि आपको एक अच्छा जिम प्लान कैसे करना है, लोकेशन चूज़ करने से लेके लीगल फॉर्मेलिटीज़ से लेके जिम का लेआउट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग तक उसमें सब कुछ बताई जाती है। और एक अच्छा जिम प्लान करने के बाद आपको उस जिम को अच्छी तरह रन कैसे करना है, मैक्सिमम सेल्स आप कितनी अचीव कर सकते हैं, ट्रेनर्स को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, टीम की हायरिंग से लेके, एंड आप मल्टीपल जिम्स कैसे खोल सकते हैं, ये सब आपको उस कोर्स में बताया जाता है। एंड दैट इज़ बेसिकली अ कंप्लीट पैकेज इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल जिम ओनर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे पता है आप वीडियोज़ बहुत लोग देखते हैं, बट बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमारा भी मोटिवेशन और हौसला बढ़ता है। हम भी आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ लगातार लेके आते रहेंगे, और ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, टेक केयर।